हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, ये देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी, कितना यम्मी और कितना क्रंची है ये हमारा प्याज का पराठा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हमने बनाया है। तो चलिए देखते हैं अपनी ये वीडियो, पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पराठे, जो कि एक यूनिक स्टाइल से होंगे, बहुत यम्मी होंगे, भरने में भी कोई झंझट नहीं, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं प्याज हमने जिसको बारीक चॉप कर लिया है, देखिए क्यूब्स में इस तरह से। तो ये हमने आटा ले लिया है क्योंकि इस समय है रात का, तो इस समय तो देखिए एक कप आटा, देखिए इस समय रात का समय है, ठीक है। और ये ज्यादातर गर्म ही गर्म अच्छा लगता है नाश्ता बनाना खाना, तो इस वजह से हम थोड़ा सा बना के दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ शादी है जैसा कि आप सब लोगों को पता है। तो उसी हिसाब से हमें जैसा टाइम मिलता है, चाहे वो रात में टाइम मिले या फिर डे में टाइम मिले, जब टाइम मिलता है तब बना लेते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं है कि किस टाइम पर हमें वीडियो बनानी है। तो ये ले लिया हमने प्याज, ये हरा धनिया, और अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखते हैं गाइस, लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, जो कि हम इसमें डालेंगे प्याज में अपने, ठीक है। ज्यादा नहीं हम डालेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, इस वजह से आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। ये हमने लाल चिली फ्लेक्स डाला हुआ है, हरा धनिया अपने हिसाब से आप ऐड करें, ये देखिए हमको थोड़ी सी अच्छी लगती है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और चाट मसाला, ये देखिएगा इस एक स्पून के करीब चाट मसाला। ये देखिए गाइस, टेस्ट के अनुसार नमक, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें मिक्स करना है। इस तरह से सारा कुछ मिक्स कर देंगे हम। और देखिए गाइस, आपको प्याज जो है वो फाइन ही चॉप करना है, अच्छे से बिल्कुल स्लाइस को ऐसे चॉप करना है, और धनिया को भी, और इसके ये जो क्यूब्स हैं इनको हम मिलाते वक्त अलग कर देंगे सारा कुछ, ये देखिए। और आप इसमें मसालेदार और भी बना सकते हैं, बट हम थोड़ा सा कम मसाले वाला बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि शादी में कितने सारे काम होते हैं, तो उसके बीच में भी हमको वीडियोस हम बना रहे हैं ताकि बिल्कुल भी गैप ना हो सके आप लोगों के लिए। ये देखिए, आप लोग हमारे लोकेशन को तो देख ही रहे होंगे कि किस समय चेंज है, क्योंकि हम अपने मायके आए हुए हैं, तो मायके का किचन है ये हमारा, तो इसी वजह से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम लगाते हैं डो, ये एक कप हमारा आटा, तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल या फिर आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये एक स्पून हमने इसमें घी डाल दिया है, हम घी डाल रहे हैं, ये देखिए दो स्पून हमने घी डाला हुआ है मोयन के लिए। और अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, क्योंकि पराठा है हमारा, तो आप नमक है, अजवाइन है, ये चीज मिला सकते हैं, तो जो जिससे कि अजवाइन होती है वो सर्दियों में हमारी अच्छी होती है। तो ये देखिए दो पिंच हम डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, ठीक है गाइस, ये हमने अजवाइन डाल रखी है, तो इसको हम मैश करते हुए डालेंगे इसमें, क्रश करते हुए। और अब इसमें हम कुछ नहीं करना है, हमको अब इसको आटा का डो लगा लेना है नॉर्मली, ये देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए लगाएंगे, और बहुत हार्ड नहीं लगाएंगे, नॉर्मली सा हल्का डो लगाएंगे, जैसे हम रोटियों का सॉफ्ट डो लगाते हैं, बस उसी तरह से हमको डो लगाना है। ये देखिए गाइस, आटा हमारा लग चुका है, अब थोड़ा सा हम इसमें घी लेंगे और डो के ऊपर लगा करके और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे इस तरह से, और 10 मिनट के बाद मिलेंगे आके। ये देखिए गाइस, 10 मिनट हो चुका है, तो अपने आटे को हम फिर से मसल लेंगे, ठीक है। इतने आटे में लगभग लगभग हमारे दो पराठे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमें दो लोइयों में तोड़ लेना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम अब रोल करेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बढ़ा लेंगे, जैसे हमें पूड़ियां भरते हैं वैसे ही हम इसे भरना है, ये देख सकते हैं गाइस। इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे इस तरह से, और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसा करके बढ़ा लेंगे, आप देख सकते हैं, ये देखिए
गाइस अगर अच्छे से वीडियो ना आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसका हम बाद में बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे इसको, और इसमें हम अब ये अपनी जो फिलिंग है ये इसको हम भर देंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से फिल करेंगे, और जैसे कटोरी हम बनाते हैं उसी तरह से बना लेंगे, और इस तरह से करके फिल बंद करेंगे, फिल करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए बंद हो गया। बस इसको अब कुछ भी नहीं करना है, ये देख सकते हैं बंद है। आप चाहे तो इसको तोड़कर निकाल दे, चाहे तो ऐसे दबा दे, हमें इसमें ऐसे दबा दिया। इसको हमें ऐसे करके अच्छे से हाथ से ही स्प्रेड कर लेना है, और इसको अब हम बेलन से बेल लेंगे। ये देख सकते हैं, तो सूखा आटा थोड़ा स्प्रेड करेंगे, लगाएंगे इसमें, और लोई को ऐसे हम करके तो हल्के हाथों से बेलेंगे, बहुत तेज नहीं बेलना है, क्योंकि प्याज है उसमें पानी होता है तो वो निकल सकता है, तो उसको बढ़ा लेंगे इस तरह से। ठीक है, हल्के हाथों से। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा ये बिल चुका है। गाइस अगर थोड़ा बहुत ये इस तरह से निकल आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये निकलेगा, क्योंकि ये हमने चॉप करके ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलिए सबसे चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये देख सकते हैं गाइस, हमने अपनी पैन ले लिया है, आप तवा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने अपना घी लगा दिया है थोड़ा सा, आप जो भी ऑयल खाते हो बस उसे ले लो, और अब इसमें हम अपना पराठा डाल देंगे और उसको सिकने देंगे। जब ये एक मिनट के लिए सिक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे। अब गाइस देख लीजिए, ये दूसरी लोई है, इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए उस तरह से भर गया, अब इसको भी हम उसी तरह से बेल देंगे। ये देख सकते हैं गाइस, इसको अब हम पलट देंगे। ये देखिए आप कितनी अच्छे से सिका हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें ही हम थोड़ा सा घी और लगाएंगे हल्का सा, और ये एकदम क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि हम घी से बना रहे हैं तो ये क्रिस्पी ही बनेगा, और अगर आप ऑयल से बनाते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम उधर दूसरी तरफ सेक लेंगे तो हम फिर से टर्न कर देंगे। ये देख सकते हैं गाइस, अब हम इसको पलट देंगे दूसरी साइड में। ये देख सकते कितना क्रिस्पी अच्छे से हुआ है। अब इसको हम वही धीमी धीमी फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे, इसी तरह से ऑयल लगाते हैं। तो गाइस इसी तरह से हम सारे के सारे सेकेंगे पराठे अपने। ये देख सकते हैं गाइस, अच्छे से सिक चुका है दोनों तरफ, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए गाइस, दोनों तरफ से अच्छे से सिका है, तो इसको अब अलग हटा के प्लेट पर रख लेंगे, और इसी तरह से हम अपने दूसरे भी सेक लेंगे। गाइस अभी आपको अच्छे से सिक नहीं रहा होगा, तो हम अभी आपको दिखा भी देंगे अच्छे से। ठीक है, और ये देखिए दूसरा पराठा भी डाल दिया, अब से हम सेकेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है। ठीक है, देख सकते हैं सब तरफ से अच्छे से सिका हुआ है, दोनों तरफ ही अच्छे से है क्रिस्पी। तो गाइस इसे आप चटनी के साथ, दही के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करके दिखाते हैं गाइस, अभी गर्म है। ये देखिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर दिया है मगर अभी भी बहुत गर्म है। ये देख सकते हैं गाइस, इसकी फिलिंग आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को दिख रही हो। ये देखिए कितना प्यारा और कितना यम्मी है ये हमारा पराठा, और सारी फिलिंग्स देख सकते हैं आप कैसे आ रही है अच्छे से दिख के। जिसको प्याज का क्रंच पसंद है उसको ये पराठा बहुत ज्यादा पसंद आने वाला, क्योंकि इसमें प्याज क्रंची होता है। तो गाइज हमारी आज की ये रेसिपी। गाइज अगर कोई वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं कि हमारे हमसे क्या गलती हुई है जिसकी वजह से हमारी वीडियो ऐसे बन रही है। आज ही शुरुआत हुई है इस वीडियो की, तो चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।